दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नीरज से मुझे 46,000 रुपये का लोन अप्रूवल मिला है। तो मैं चाहूँ तो 46,000 को मैं अपने बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ कि 46,000 में मुझे इतना यहाँ पे ब्याज कितना देना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर क्लियर बताने का फुल प्रयास करूँगा और दिखाने का लाइव प्रूफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिव्यू लोन पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर सभी चीज़ें मुझे दिखाया जा रहा है कि 46,000 का लोन है और जो कि इंटरेस्ट रेट पूरा आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी है मैं आपको पूरा पूरी मोटा मोटी आपको बता देना चाहता हूँ। जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट होगा यहाँ पे 20,019 रुपया मुझे देने होंगे, वो भी 2 साल के EMI में है, ठीक है। और यहाँ पे 2400 कुछ रुपया यहाँ पे प्रोसेस फीस कट जाता है, लेकिन टोटल इंटरेस्ट से बात की जाए तो यहाँ पे 20,019 रुपया मुझे पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट के ओनली फॉर 46,000 के लोन में, ठीक है। अगर मैं इस लोन को चाहूँ तो मैं अपने बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ, लेकिन ये मुझे लोन का रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं लोन लूँगा लेकिन थोड़ा कम लूँगा और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊँगा कि मुझे कितने घंटे में और कितने दिन में मुझे ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 16,000 में है यहाँ पर यहाँ से लोन लूँगा, इसके बाद यहाँ पर रिव्यू लोन पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पर दोस्तों आप कभी भी कहीं से भी अगर आप लोन लें तो यहाँ पर एक बार रिव्यू आप अच्छा से देख लीजिएगा बारीकी से कि आपका प्रोसेस फीस, आपका चार्ज, EMI चार्ज कितना कटेगा, वो सभी चीज़ें आपको इसमें दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी चीज़ दिखने के बाद आपको इसके बाद आगे वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको किस लिए लोन लेना चाहते हो जो भी है एक रीज़न आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर स्कूल फीस के लिए मैं क्लिक कर दिया हूँ, इसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक करूँगा, टिक लगाऊंगा और प्रोसेस पर क्लिक करूँगा। जैसे हमने प्रोसेस पर क्लिक किया हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, तो हमने वेट करने थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। इसके बाद लोडिंग क्रेडिट लाइन यहाँ ऑप्शन आया, तो यहाँ पे दोस्तों अब हमें लोन एग्रीमेंट, यहाँ पे दोस्तों आपको बारीकी से आपको लोन एग्रीमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपका जितना भी लोन होगा आपके अकाउंट से कितना डेबिट होगा, कितना आपका ब्याज लगेगा, कितना इंटरेस्ट रेट है, सभी चीज़ें आप यहाँ पर सही सही आप बारीकी से देख लीजिए, इसके बाद आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं सही सही चीज़ें मैं अपने यहाँ पर सभी चीज़ें देख ले रहा हूँ। यहाँ पर सभी चीज़ें आपका अकाउंट नंबर, आपका EMI कितना है, सभी चीज़ें इसमें आपके दिखाई जाएगी। ये आपको सही से देखना है, देख लेने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको टिक लगाना है, टिक लगाकर इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ें सही से देख लिया है, आपको भी इसी प्रकार देख लेना है सही सही, ठीक है। इसके बाद टिक लगाना है, इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको दिखाया जाएगा आपका EMI इतना इतना हर महीने आएगा। इसके बाद यहाँ पर आप सभी चीज़ें देख लीजिए अच्छे से कि हमारे EMI कितने महीने तक है और कितना कितना कटेगा, सभी चीज़ें देख लेने के बाद इसके बाद यहाँ पर टिक लगाएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा हम वेट करेंगे, वेट कर लेने के बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि लोडिंग क्रेडिट लाइन फिर ऑप्शन आया, तो फिर देखते हैं कि आगे का इंटरफेस। अब आता है दोस्तों सेटअप ऑटो EMI, तो हम सेटअप ऑटो EMI पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मेरा थोड़ा नेट स्लो के कारण से थोड़ा सा मोबाइल पीछे की ओर चला गया, सॉरी इसके लिए। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सेटअप ऑटो EMI पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, इसके बाद सेटअप ऑटो EMI पेमेंट पर हमें क्लिक करते जाना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कुछ देर आवे यहाँ पे प्रोसेस EMI पर क्लिक करना है, क्लिक करते जाना है आपको, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट एक बार और करते जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सभी चीज़ें दिखाया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप चाहे तो आधार कार्ड से भी आप EMI का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, आप अपना डेबिट कार्ड से भी EMI का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम आपको सलाह देंगे कि आप डेबिट कार्ड से ही यूज करें, ठीक है। इसके बाद हमने डेबिट कार्ड नंबर ये सब डालकर फिर OTP यहाँ पे मैं अपना डाल दिया। इसके बाद डाल देने के बाद अप्रूव पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने अप्रूव पर क्लिक किया तो थोड़ा देर हमें 5 सेकंड हमें वेट करना है। 5 सेकंड के बाद हमें आपको 5 सेकंड कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद आपको छोड़ देना। इसके बाद ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन 16,000 हमारे पास एक क्रेडिट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो हमें आप दोस्तों कितना 1 से 2 घंटा अब हमें वेट करना पड़ेगा तो जाके ये बैलेंस हमारे अकाउंट में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे मांगा जा रहा है कि आप एक नंबर दे दीजिए या ऑफिस का एक अपना पर्सनल नंबर एक दे दीजिए किसी का भी, तो अपने भाई का चाहे दोस्त का साथी का एक नंबर दे दीजिए नमनी में, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर दे देंगे, नंबर दे देने के बाद मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद यहाँ पे स्टार्ट लोन डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे उससे नंबर इसलिए ये लोग मांगते हैं कि ताकि आप लोन EMI अगर पेमेंट नहीं भर पाएंगे तो उस नंबर पर ये लोग कॉल करते हैं, इसके लिए आपसे नंबर डलवाते हैं कि आप एक दूसरे नंबर डाल दीजिए, ठीक है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरा ये सभी चीज़ें सक्सेसफुल हो चुका है। अब ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में कितने घंटे में आया, कितने घंटे में नहीं आया, तो दोस्तों ये पैसा हमने देख सकते हो कि 11:29 पे किया था और सुबह में मेरा ये बैलेंस मुझे अकाउंट में आ गया था, यानी कि दोस्तों 24 घंटा से पहले मुझे मेरे खाते में ये पैसा आ गया था, जो कि स्क्रीनशॉट फोटो मैं आपको थंबनेल में आपने देखा होगा। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा